Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. अगली सुबह गर्म पानी के साथ. और भाई रात को तो बहुत कड़ी सर्दी पड़ती है यहाँ पे. तो रात इतनी तकड़ी सर्दी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, जी निकल गया. मतलब जैकेट पहन के भी सोया था मैं, जब जाके मेरे को थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई. कहीं तो गर्मी पड़ रही तो कहीं सुन हो रहा है. और इतनी तेज़ हवा चलती है, झंडे थे ना बहुत बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे, बड़बड़ बड़बड़ बहुत तेज़. तो फिलहाल ये है सुबह की मॉर्निंग का व्यू. बस सामने से सूरज लग रहा है बहुत कड़ा. तो अभी फटाफट से होते हैं रेडी. अभी बज रहे हैं 6 सुबह के. और खुद के रेडी करते हैं ब्रेकफास्ट. और जो इनके पॉइंट है उनको पॉइंट को देख के सीधा हम निकलते कहीं कौन सा है वो सोकर. हम सोकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है यार. और कल भी फ़ोन बंद था और आज भी बंद है. और हालने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि यहाँ से ना 7-8 घंटे हमारे एक्स्ट्रा जा रहे हैं. 7-8 घंटे मीन्स कि यहाँ से मेरे को 70 किलोमीटर मेरे को आगे जाना है. और 70 से वापस फिर मेरे को 70 वापस आना है, दूसरी जगह जाना है, फिर उल्टा 70 आना है. तो मतलब 70 और 50 60, मतलब वही 7-8 घंटे हमारे ख़राब हो जाएंगे. और 7-8 घंटे करने के बाद फिर 2 घंटे वापस स्टे करने के लिए इधर आना पड़ेगा. तो इसलिए आज के लिए अभी के लिए कैंसिल कर दे ये प्लान. चलो फिर सीधा कहीं और चलते हैं. तो फिलहाल 7 बज चुके हैं और हमने कर दिया यहाँ से चेकआउट क्योंकि आज की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है. लंबी नहीं, रास्ता तोड़ने वाला होने वाला है मतलब. तो फिलहाल इसलिए जल्दी निकल रहे हैं. बाकी हमारा शुभम भाई बीमार हो चुका है, बीमार हो लिया शुभम हमारा. चल अभी एक बार चलते हैं लेक के पास और खिंचवाते हैं फोटो वोटो एंड फिर निकलते हैं आगे. है ना बम्बू, चाबी नहीं है मेरे पास, मानशु के पास चाबी है. धूप बहुत कड़ी है बम्बू, क्या दिक्कत आ रही है, सिर दर्द हो रहा. तो हमारा बम्बू भाई बेचारा बीमार हो गया है. ठीक है, पहली बार इतनी हाइट पे आ गया है, पहली बार घूमने निकला है और इतनी हाइट पे आ गया. कोई नहीं, चलता रहता है. अब सही होगा, सही ना. मैंने गोली न खा और ठीक हो जा. देख पूरा सेटअप पर कहा अगले वाले को ताला लगा दे. तो भाई ये सोमरीरी लेक और इसका पानी भी क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर. मैं देखो जूते ना गीले हो जाए, देख रहे हो. वैसे इसका व्यू पॉइंट ना उधर है, मतलब यहाँ से 10-15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से व्यू पॉइंट मिलता है. बाकी हम गए नहीं, मगर लेट हो जाएंगे, आधा घंटा आने जाने लग जाएगा. हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे को लगेंगे यहाँ से 13 घंटे मनाली जाने में. तो मैं नहीं चाहता रात में ड्राइव करनी पड़े, इसलिए सुबह निकल लिए. तो अभी लेते हैं अच्छी फोटोज. ठीक है भाई, हमारे मानशु को तो ऐसे और बम्बू तो तेरी नरा गाड़ी थे. बम्बू ने देख ले पार जितने देखने, तो सामने देखो बर्फ पड़ी है भाई. चल भाई फोटो ले मानशु जी, गाड़ी पर जोर पड़े भाई साहब, गर्म चल रहा है गाड़ी, अब ठंडी है. हाँ उस सांस आ रही है. बम्बू अभी ना गाड़ी में भी ना. तो भाई फिलहाल यहाँ से भी निकल लिए हम, तो लिए अच्छी अच्छी फोटोज, एक दो रील बनाई है. और भाई धूप बहुत कड़ी पड़ रही है ना, और यहाँ तो ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते, मना कर दिया था कल मैंने, जैसे बताया था आपको कि उन्होंने बिल्कुल बोल दिया था भाई लत्ते फाड़ दे ड्रोन उड़ा दी ना. गाड़ी चढ़ा ली मैं तो, इसलिए ड्रोन तो उड़ाने का तो प्लान कैंसिल ही है. ठीक है यार, नहीं लेना भाई रिस्क मेरे को अपने ऊपर. वैसे यार रूम और व्यू बहुत अच्छा था, क्या था कुंजुम, अरे नहीं कुंजोक, ऐसे कुछ नाम था रिजॉर्ट था ना भाई. जाली दे भाई, मैं नहीं फूक जाऊंगा इधर से. बम्बू जाली दे, कल बम्बू ने जाली मोड़ दी तेरी, मोड़ दी बम्बू को पावन मोड़ देंगे. पानी बोतल ली ना, है क्या छोटी छोटी बोतल पड़ी है तो घर से का पेप्सी पड़ी है. किस लगा है ये, कौन सी है, कोई है यूं. मतलब धूप के मामले में भाई ये सोच रहे कभी पागल से कर दे. और फिर भी अभी भी आ रही है बहुत कड़ी धूप है. चलो भाई मैं दिखा दो अभी का व्यू. बस रास्ता खराब है यार. देखो अगर आप पेंगोंग आ रहे हैं, पेंगोंग की जगह इसको प्लान कर सकते हो, बट इसका थोड़ा रास्ता खराब है. थोड़ा क्या मतलब, आप मुझे बाद में बोलोगे भाई जो आपने तो रास्ते खराब पे भेज दिया. कच्चा रास्ता है, मतलब पूरा रास्ता ऐसे है 100% 50 50 तो मतलब 50 ठीक है,
आप मान लो 150 किलोमीटर पड़ती है तो 150 में से ना 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रास्ता अच्छा है, 70 किलोमीटर खराब है। तो खराब तो नहीं है, मतलब टूट खड्डे ऐसे हैं, ऐसा रास्ता है, खड्डे नहीं है मतलब। तो ये सोमोरी लेक इसको भी कर देते हैं बाय। बाकी व्यू पेंगोंग लेक से है सेम, बट ये तो उसकी छोटी बहन है पेंगोंग लेक की। तो भाई अभी ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी पर उड़ा ही नहीं, इतनी हाइट जा रहा है और वापस गिरने लग रहा है। तो मतलब छोड़ यार, क्या दिमाग खराब, पता उसकी प्रोपेलर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। बाकी इतना अच्छी सीनरी थी ना तो मुझे लगा ड्रोन से क्या सीन आएगा यार। और यहाँ पे गोप्रो भी नहीं लगा सकता मैं बाहर, देख रहे क्या सीन था यहाँ उड़ाने का, बन था ड्रोन बट क्या करें उड़ाई नहीं। अब बड़े वाले को उड़ाऊंगा तो पीछे आर्मी है, देखो छोटा वाला ऐसा भी है दिखता भी नहीं है, ज्यादा आवाज़ भी नहीं करता। और छोटे वाला तो भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ करता, बड़े वाला बहुत ज़्यादा आवाज़ करता, दिखता भी दूर से वो। तो कहीं थोड़ा आगे उड़ा लेंगे, फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं हम। यानी क्या सीन आता ना, बिल्कुल एकदम एक नंबर का सीन आता ड्रोन से। और भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, गाड़ी बहुत थोड़ा मतलब, क्योंकि हमको लग रहा है हम जैसे बाहर उतर रहे हैं, मैं आपसे बात करूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा मेरे को लगता है सांस फूलने लग जाती है। बढ़िया है, बढ़िया है, ऑक्सीजन कमी है जो हमारा। बम्बू ठीक है तू? हाँ। तू भाई बढ़िया हूँ मैं, सब बढ़िया ना। तो भाई अभी उड़ाया था ड्रोन, दो बार उड़ाया था, पहले उड़ाया था तो वो तो उड़ाई नहीं, उसके बाद उड़ाया रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, फिर दोबारा उड़ाया तो अभी एक मिनट की क्लिप भी, पर इससे पहले वाली जो क्लिप थी अगर वो रिकॉर्ड हो जाती ना अल्टीमेटली थी, बट अभी फिर मैंने यार आर्मी आई आया थोड़ा सा आगे चके, इसलिए फिर मैंने वापस डाल दिया। और देखो ये फायदा होता है हमारा बम्बूर का, जैसे बम्बूर ने 2 मिनट में ड्रोन पैक कर दिया वापस से और निकालने में 2 मिनट लगाता है, तो ये फायदा है। अभी हिमांशु गाड़ी चला रहा है, मैंने ड्रोन उड़ाया था मगर कितने मज़ेदार सीन लिया, तो मेरे दिमाग से चटक गया यार, पता नहीं ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग इंजन ऑफ कर दिया किया ही नहीं उसने, क्या किया क्या ही नहीं। बाकी सीन देख रहे हो आप, पता है हिमांशु कह रहा था कि कल हम इसी रास्ते से आए थे वापस, तो कह रहा था यार आज रास्ता ठीक नहीं हो गया, अच्छा से नहीं लग रहा, मैं कैसा है तो कल तूने पहली बार देखा था टूटा हुआ रास्ता, तो इसलिए तुझे घड़े टूटा लग रहा, तुझे आदत पड़ गई है 5-6 घंटे 7 घंटे तेरे को टूटे रास्ते चला ना, तो आदत पड़ गई, आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद खड्डे दिखाई नहीं देते आप, इसको ज़्यादा बड़े खड्डे दिखाई देंगे। वैसे जो अभी आपने ड्रोन शॉट में लेक सी देखी थी ये छोटी है, तो भाई फिर से यही वाले यहाँ से नहीं ले, तो यहाँ से सीधा ले ली मानी सीधा, हाँ सीधा वो छोटा चीज जो गाड़ी पानी निकल रहा है समझ गा, कोई बात ना तो बात आ जाने, होकर ले लो होकर ना सीधा मतलब मतलब सीधा वो पकड़ ले पत्थर पर जो गाड़ी टहरा अनू लेनी मुझे, राइट ले थोड़े पत्थर पड़ेंगे, राइट ले लेफ्ट ले लो, अब चल सीधी कर दो राइट कर दो गाड़ी पूरी, ये बात चल चलता चल, ये बात पहली बार ऑटो क्रॉस कर दिया तगड़ी वाली, तब ले ले भाई ये सब कहीं कर जाने थे। तो ये रोड जाता है मनाली और जो पीछे मतलब गया राइट वो गया लेह, लेह हाँ कल के हिसाब से मैं आज जल्दी लग रहा हूँ, कल बहुत टाइम लग गया हमें, हमने रास्ता देख लिया है भाई, और बम्बू ले रहा है अपने पीनट बटर में दबा दबकी, बाहर जगह प्रोटीन ले रहा हूँ बम्बू, प्रोटीन छोटे ना भाई, अब बम्बू हाई प्रोटीन लेना बढ़िया है, तो बिना चश्मे तो बैठा नहीं जा रहा है, और चश्मे मेरे पास अच्छे वाले हैं नहीं। बम्बू भाई साहब, भाई बम्बू भाई साहब का तो होगी वॉमिटिंग, और अभी फिलहाल गाड़ी चला रहा हूँ मैं,
क्योंकि हमको कितने किलोमीटर चल लिया हम 66 हम 34 साठ 34 60 नहीं यार हम चल लिए 60 हाँ 70 50 से किलोमीटर चल लिए हम 50 किलोमीटर चला ली गाड़ी अब खींचते हैं मैं क्योंकि भाई देख ऐसा कितना ओहो नीचे 70 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा अच्छा रास्ता आया है और अच्छे व्यू के साथ यहाँ है तो फिलहाल हम चल लिए 71 किलोमीटर सोमरेरी से और मेरे यहाँ से मनाली था मतलब सोमरेरी से मनाली था 396 ऑलमोस्ट 400 लगा लो और 11-12 घंटे दिखा रहा था बस रास्ता ऐसे मिल जाए तो मज़ा आ जाए नहीं तो रास्ता ख़राब मिल गया ना तो मैं पागल हो जाऊँगा खराब रास्ता तो वो गाड़ी पकड़ा तो अच्छा नहीं है खराब रास्ता में गाड़ी तुम वो पकड़ा खुद अच्छा लगेगा ऐसा ही बात है खराब में तू चला रहा है सही में चला लेगा तो भाई एक प्रॉब्लम आ गई है क्या कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे अब मतलब 90% मतलब 80% तो काम ही नहीं कर रहे मतलब मैं आपको बताऊँ ब्रेक मार रहा हूँ बहुत दूर जाके रुक रही है गाड़ी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है एकदम से आई है अभी जब हमने वो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की थी उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है मैंने अभी ब्रेक मारे ना तो मेरे को फील हुआ फिर मैंने दोबारा मारा तो मैंने देखा मैं यार काम ही नहीं कर रहा तो जहाँ तक मैं गियर डाउन करके ही गाड़ी को चला रहा हूँ अगर जरूरत पड़े तो ब्रेक के साथ साथ मैं गियर को यूज़ कर रहा हूँ डाउन करके तब गाड़ी को रोक रहा हूँ तो भाई फिलहाल मनाली दिखा रहा है यहाँ से 9 घंटे हिमांशु ब्रेक में दिक्कत अभी आनी के और वो भी ऐसे रोड है भाई रोड तो है ही नहीं मतलब क्या बताऊँ रोड नहीं है 50-50 कह रहा हूँ 50-50 वो कह रहे थे ना कि भाई 50-50 सही है ये 50 है ये 10% भी ठीक नहीं रोड वो जो आपने पैच दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो सिर्फ कितने किलोमीटर का 2 किलोमीटर का होगा मैक्सिमम पैच 2-3 किलोमीटर का बस उसके बाद का नहीं था वो पैच बट सामने मैदान तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है देखो क्या करें अब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ गाड़ी और नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ जैसे कट वट आ जाए तो इसको और गियर डाउन कर देता हूँ बट 20% काम कर रहा हूँ गाड़ी के ब्रेक मेरे हिसाब से क्योंकि यार चला रहा हूँ ब्रेक काम ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी यहाँ ब्रेक मार रहा हूँ और पूरा पेडल दबा रहा हूँ पूरा पेडल अब पता नहीं क्या है चलो भाई